नमस्कार दोस्तों, सस्सी मिश्रा किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए 15 अगस्त स्पेशल मावा तिरंगा बर्फी बनाने जा रही हूँ। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम, ये मेरे पास बर्फी पड़ी हुई थी उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो मावा से भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम बर्फी थी उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। पाउडर शुगर मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कप, क्योंकि ये खुद ही मीठा है। थोड़े से सिल्वर बॉल्स मैंने लिए हैं। 20 से 25 बादाम है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। 20 से 25 काजू है, इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है। और 8 से 10 इलायची पाउडर है, इसको मैंने दरदरा कूट लिया है। और ऑरेंज फूड कलर, ग्रीन फूड कलर मैंने लिया है इसको बनाने के लिए। और ये मोल्ड लिया है जिसमें हम इसका केक बनाएंगे। चलिए बनाने की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले एक प्लेट लेंगे, उसमें ग्रेट किया हुआ मावा डालेंगे। अब डालेंगे इसमें हम बादाम ग्रेट किया हुआ, काजू ग्रेट किया हुआ, इलायची पाउडर, ये शुगर पाउडर है। अब सबको मिक्स करेंगे अच्छे से, हाथ से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि इसे हमें फूड कलर डालना है। तो एक मेरा प्लेन रहेगा, एक में ऑरेंज कलर डालेंगे और एक में ग्रीन कलर डालेंगे। 3 बाउल लिया है मैंने। चलिए इसमें हम कलर डालेंगे। तो चलिए, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 3 बाउल लिया था, प्लेन वाले को हम अलग रखेंगे। एक में हम डालेंगे फूड ऑरेंज कलर 1 से 2 बूंद और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। चलिए, हमारा ऑरेंज कलर का डो बनकर तैयार है। और अब हम डालेंगे इसमें ग्रीन 1 से 2 बूंद और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और सॉफ्ट सा एक डो बना लेंगे। चलिए, अब हमारा ग्रीन डो भी बनकर तैयार है। इसको हम गोल शेप देकर इसको हम अब अलग रख लेंगे। अब जो हमने प्लेन व्हाइट मावा अलग रखा था, अब उसका हम सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। ये बन गया, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए हाथ की सहायता से। ये देखिए, हमारा तिरंगे का 3 कलर तैयार हो गया है। अब इसको हम मोल्ड में डालकर केक बनाएंगे। एक मैंने मोल्ड लिया है, आपके पास कोई कटोरी है उसमें भी आप बना सकते हैं। तो इसको पहले इसके ऊपर हम ये डो रखेंगे और इसको हम इसके शेप का फैलाते हुए ताकि ये अंदर आसानी से चला जाए, और इसको हम चारों तरफ से दबाते हुए इसका शेप दे देंगे। ये देखिए, ये ऑरेंज वाला, ऐसे ही हम तीनों का शेप इस पर पीछे से पलट कर और दबाते हुए बना लेंगे ताकि हमें इसके अंदर डालने में आसानी होगी। ये देखिए, ये ग्रीन वाला है,
अब हम इसके अंदर इसको थोड़ा सा और फैलाते हुए थोड़ा टैप कर देंगे, अब रखेंगे हम वाइप। इससे इसका शेप बहुत ही अच्छा रहेगा। टैप कर दे। अब रखेंगे हम ऑरेंज। हो गया। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद निकाल कर सर्व करेंगे। ये देखिए मैंने निकाल लिया है फ्रिज से, इसको मैंने फ्रिज में रखा था 15 से 20 मिनट के लिए, ये अच्छे से सेट हो गया है। अब चाकू की सहायता से इसे हम चारों तरफ से, ये देखिए मेरा ये रेडी हो गया है। अब इसको हम थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक ये छन्नी ली है, इसके ऊपर हम इसको थोड़ा डिजाइन कर देंगे। तो इसके लिए हमें इसे ऊपर से इसे दबाना है। ये देखिए इसके ऊपर ये सिल्वर बॉल्स हैं कुछ मैंने लिए हैं, इसको हम इसके ऊपर डेकोरेट कर देंगे। चलिए ये मैंने इसको सिल्वर बॉल से थोड़ा डेकोरेट कर दिया है। तो ये मेरी रेसिपी अब तैयार है, आप भी अपने घर में बनाइए। कल 15 अगस्त है, खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।